Hey, what's up guys? Welcome back to another video. And दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड MIUI Themes का. एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थीम ऑफ द मंथ के एक और नए एपिसोड के बारे में जिसमें तीन थीम्स होते हैं एज यूजुअल. तो फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं थीम्स के बारे में. सो लेट स्टार्ट. तो दोस्तों आज की जो थीम्स हैं, हम चल जाते हैं थीम स्टोर के ऊपर एंड वहां जाके मैं आपको उसका नाम दिखा देता हूँ. तो जो आपको यहाँ पे आज की फर्स्ट थीम देखने को मिल जाती है उसका नाम है ग्लोबल वर्जन 9. एंड इस थीम को मैंने क्यों चूज किया और इसमें क्या खास है वो आपको मैं बताऊंगा. तो फटाफट से इस थीम को यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं. नॉट नाउ एंड ये होती है अप्लाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख पा रहे हो तो अगर आपको चाहिए यार MIUI 9 का लुक, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई कई लोगों को MIUI 9 बहुत ज्यादा पसंद आया था. मेरे को भी MIUI 9 MIUI 11, 12 और 10 से बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि एक तो वो काफी स्मूथ था एंड एक UI उसका काफी ज्यादा बढ़िया था. और इसी वजह से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ये थीम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आइकन्स MIUI 9 वाले देखने को मिल जाते हैं एंड ये सेटिंग्स आइकन मेरा फेवरेट है जी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है. तो आइकन्स हो गए ठीक है एंड विडजेट भी आपको MIUI 9 वाला देखने को मिल जाता है. उसके बाद दोस्तों जो इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका स्टेटस मेन्यू. तो हम चले जाते हैं यहाँ पे एंड ये देखो भाई, ये आपको अगर याद आ रहा होगा तो भाई ये MIUI 9 का स्टेटस बार मेरा फेवरेट था, बहुत ही बढ़िया लगता था. बहुत मतलब काफ़ी मेरे को अच्छा लगा ये वापस आ गया थीम के तौर पे, पर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को. तो आप बताना आपको कैसा लगा कमेंट्स के अंदर. एंड दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके सेटिंग्स मेन्यू के बारे में. तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वही अपना पुराना रेट्रो लुक, जो सेटिंग्स मेन्यू के साइड में आइकन आते थे, ये भी काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को. एंड डायलॉग मेन्यू इसमें बिल्कुल ही सेम है तो दिखाने का मतलब नहीं बनता. नाउ हम बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में. तो वो आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है, ये भी कस्टमाइज्ड है. आपको इसमें टॉप पे क्लॉक देखने को मिलती है जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है. एंड ऊपर स्वाइप करिए ना आपका फोन जो है अनलॉक हो जाएगा. तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फर्स्ट थीम. तो मैंने सोचा थोड़ा रेट्रो थीम भी लानी चाहिए ना, तो आप मुझे बताना आपको ये कैसी लगी. एंड दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट थीम के बारे में. उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स फ्री, बस आपको उसको दबाना है एंड बेल आइकन को ऑन कर देना है, दैट्स इट. आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, अभी अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा. मेरे 35K होने वाले हैं, पता नहीं भाई इस साल होंगे नहीं होंगे, बट अगर आपका सपोर्ट मिला तो करवा दो यार, अच्छी बात होगी ठीक है. एंड लाइक कर देना भी अगर वीडियो पसंद आई. तो अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड थीम के बारे में. तो यहाँ पे चलते थे बैक. तो यहाँ पे जो आपको सेकंड थीम देखने को मिल जाती है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पे कलरवेज 7.1. एंड ये थीम मैंने क्यों चूज करी, बिकॉज इसके अंदर आपको कलरवेज की चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाती है, सॉरी बूट एनिमेशन देखने को मिल जाती है एंड इसका स्टेटस बार काफी ज्यादा ओपी है. तो यार इसको फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं. नॉट नाउ मैं फटाफट दबा देता हूँ एंड ये हो गई भैया अप्लाई ठीक है जी. तो इसके बाद मैं आपको एक बार और चीज चेकआउट कराता हूँ कि यहाँ पे हम चल जाते हैं इसके अंदर एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले एंड बटन्स. तो इसके अंदर आपको कलरवेज वाले बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो भी काफ़ी अच्छी बात है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप की थीम देखने को मिल जाती है. इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको आइकन्स वाइकन सब कुछ यहाँ पे कलरवेज 7 वाला लुक आता है. तो मेरे को तो यार ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आप मुझे बताना आपको ये कैसा लगा. एंड इसमें आपको विजेट भी देखने को मिल जाता है कलरवेज वाला और रियलमी UI वाला, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेटिंग्स मेन्यू के बारे में. तो उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलता है, साइड में आपको आइकन्स के अंदर जो है चेंज देखने को मिल जाता है ठीक है. देन यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया अपने स्टेटस बार के बारे में, जो कि इसका की हाईलाइट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये आपको कुछ इस टाइप का स्टेटस बार देखने को मिलता है, जो मेरे को तो यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को. एंड इसमें आपको डार्क मोड का सपोर्ट भी है, तो ऑन करिए. एंड यार आपका डार्क मोड में थीम बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, तो मेरे को तो यार काफ़ी पसंद आया ये स्टेटस बार. नाउ हम बात करते हैं इसके डायलॉग मेन्यू के बारे में. तो डायलॉग मेन्यू आपको कुछ इसमें इस टाइप का देखने को मिल जाता है, बिल्कुल ही कलरवाइज वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें पहले जो स्क्वायर वाला सिस्टम था वही आपको देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी यहाँ पे रियल भी लगता है वो, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, सेम है. बट यहाँ पे मेरे को ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने जो ऊपर वाला फेस है उसको यहाँ पे कस्टमाइज किया है, जिसमें स्माइली बनाता है मतलब आपका फ़ोन अनलॉक हो गया है, और अगर कुछ नहीं बनाता तो मतलब आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ है. तो ये मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को कमाल का फीचर लगा, तो इसलिए मैंने सोचा आपको थीम भी दिखा देनी चाहिए. नेक्स्ट इसमें आपको बूट एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है, तो इसे फटाफट से मार लेते हैं रिबूट. एंड ये हो रहा है रिबूट फटाफट से, तो अभी हो जाएगा रिबूट विबूट. एंड अभी आएगा भैया यहाँ पे बटन रेडमी एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कलर OS का बूट एनिमेशन. तो फटाफट से आ जाए भाई भाई. हाँ चलो यहाँ पे आ गया, ये कलर वेस यहाँ पे लिखा आ गया, तो आप ये देख सकते हैं इसमें आपको कलर वेस का बूट एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है. आई लाइक इट.
तो अभी हो रहा है फटाफट से बूट एंड पास हो गया। चलो फोन अनलॉक करते हैं। तो फोन हो गया अनलॉक एंड वापस आ चुके हैं अपने थीम स्टोर के ऊपर, क्योंकि इट्स टाइम फॉर द लास्ट एंड फाइनल थीम। तो लास्ट एंड फाइनल थीम जो आपको देखने को मिल जाती है वो है ऑक्सीजन ओएस बाय भुवक। एंड अगर सॉरी मैंने आपका नाम गलत ले लिया हो जो क्रिएटर है तो माफ करना मेरे को, बट ये थीम मेरे को सजेस्ट करी थी थीम क्रिएटर ने, तो उन्होंने बोला कि चेक करो रिव्यू करो कैसी लगी। तो भाई काफ़ी कमाल की थीम बनाई है आपने, मेरे को काफ़ी मजा आया इसको देख के एंड काफ़ी सारे आपको इसमें अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से इस थीम को अप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको इस थीम के अंदर क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे नॉट नाउ एंड ये आ गई भाई थीम। और भाई मैं इस थीम को 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, जब से मेरे को बताई थी मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपको जिस टाइप भी देखने को मिल जाती है वॉलपेपर काफ़ी बढ़िया है। एंड ये वन प्लस की बहुत ही अमेजिंग थीम है, इसके अंदर आपको बूट एनिमेशन से लेके स्टेटस बार हर एक चीज़ आपको ऑक्सीजन ओएस 11 से मैच होते हुए मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं आपको आइकन्स को जिस टाइप की देखने को मिल जाते हैं, बटन पर भी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस 11 वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है, वॉलपेपर भी सेम ऑक्सीजन ओएस वाला है। साथ ही साथ आपको विडजेट में नेवर सेटल लिखा हुआ दिखता है जो ग्रेडेंट और रेड एंड व्हाइट का ग्रेडेंट है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही आपको वन प्लस वाला लुक आता है, साइड में जो गोले बना रखे हैं वो वन प्लस के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्टली बात कर लें इसके अगर हम लॉक स्क्रीन के बारे में स्टेटस मेन्यू के बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कुछ इस टाइप का स्टेटस बार देखने को मिल जाता है, ये बिल्कुल ही वन प्लस का जो नया ऑक्सीजन 11 आया ना उसके से मैच होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डायल मेन्यू के बारे में, तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिल जाता है, कलर स्कीम को ब्लू कर दिया गया, दैट्स इट। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लें इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, देख सकते हैं आप पहले तो आपको ब्लर वॉलपेपर, इधर से आपका वॉइस सिस्टम, कैमरा सिस्टम, एंड अगर आप यहाँ पे टैप करेंगे कुछ इस तरह से तो यहाँ पे सामने आपके लिए और भी सेटिंग्स आ जाएंगी, लाइक लॉक स्क्रीन का स्टाइल, डेस्कटॉप का स्टाइल और स्क्रीन ऑलवेज ब्राइट रहे, म्यूजिकल एल्बम देखिए वगैरह वगैरह। एंड आप मोर सेटिंग्स में जाके यहाँ पे बाकी सारी सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं बस। और आपको फ़ोन अनलॉक करने के लिए डायरेक्टली स्वाइप अप एंड अपनी शक्ल दिखाइए एंड फ़ोन अनलॉक। तो भाई यही थी आज की थीम्स एंड आज की वीडियो, तो आप मुझे बताना कि आपको आज की थीम्स और आज की वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए एंड मेरे को कमेंट्स में बता देना कि आपको क्यों नहीं पसंद आई। अगर आई तो आप प्लीज़ लाइक मारो एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ उस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए इस चैनल के रिगार्डिंग जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ। तो मेरा गेमिंग चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो, उस पर आज एक नई वीडियो आने वाली है, तो जाओ अभी कभी सब्सक्राइब कर दो उसको भी। एंड मैं जो सोच रहा हूँ कि भाई मैं फोन्स को रिव्यू करना भी स्टार्ट करूँ आज, या तो इस चैनल पे या मेरे सेकंड चैनल पे, तो आप मुझे जरूर से बताना। मैं सोच रहा हूँ इस Redmi Note 7 Pro का रिव्यू करूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं उसको चलाते हुए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि रिव्यू करूँ तो मेरे को बता देना कमेंट में रिव्यू लिख के, या मैं बाद में पोल भी डाल दूंगा। एंड चलो यार आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय।